भारती को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। समृद्ध मंच जिसपे खुद हमारे सबके संरक्षक परम आदरणीय राजकिशोर जी बैठे हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कलंधारी भाई हैं हमारे प्रियांशु भाई, जिन्होंने इस साहित्य के उत्सव को यहाँ पे मनाया, साहित्य को जीवित रखा और कहीं ये कार्यक्रम को देश के उन बेटों के नाम समर्पित किया जो वास्तव में अपनी जान की परवाह किए बिना खुद को माँ भारती के लिए समर्पित कर देते हैं। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। निवेदन बस छोटा सा रहेगा कि जितनी देर मैं आपके बीच में हूँ, मेरा पूरा जीवन और मेरी पूरी कविताएं केवल तीन बातों पर निर्भर करती हैं। पहली, इस देश की मिट्टी। दूसरी, इस देश की मिट्टी। और तीसरी, सिर्फ और सिर्फ इस देश की मिट्टी। इसलिए आपसे बस छोटा सा निवेदन रहेगा कि जितनी देर मैं आपके बीच में कवि पाठ कर रहा हूं, अगर आपको लगे कि कहीं मेरी कविताओं में इस देश की बात हो रही हो, अगर आपको लगे कि इस कविताओं में इस देश की मिट्टी की बात हो रही हो, तो जिनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता हो, जिनके सांसों में इस देश की मिट्टी की खुशबू बसती हो, उन देशभक्तों का आशीर्वाद मिले। एक बार दोनों हाथों को हवा में लहरा करके कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चार पंक्तियां बिना किसी भूमिका के, जिन बेटों ने राष्ट्र यज्ञ में अपना शीश चढ़ाया है, हिंदुस्तान किनके बल पे बना है, कि जिन बेटों ने राष्ट्र यज्ञ में अपना शीश चढ़ाया है, जिनकी गाथा गा गा कर इतिहास स्वयं हर्षाया है, जिनकी अमर शहादत पर ये अंबर भी रो पड़ता है, जिनके शरीर का अस्थि फूल खुद महाकाल को चढ़ता है, अरे स्वयं महासागर जाकर नदियों में मिला नहीं करते, चूहों की टक्कर से खुद हिम पर्वत हिला नहीं करते, अरे यहां सूर्य भी लुप्त हो गया है जिनकी आभाओं में, सिंह नहीं जाया करते कुत्तों की राज सभाओं में। और तालियां तो अब आपकी उठे। इतिहास में पढ़ाया गया किस देश को आजादी विदेशी वस्त्रों की होली जला करके मिली है। दो पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, क्या जलाने से देश को आजादी मिली। और आप कहीं बात सही हो तो जिनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित हुआ उनके सम्मान में तालियां बजाना कि शब्द नहीं मिल पाते हैं वीरों की गाथा गाने में, और जाने कितनी अर्थियां जलेंगे हिंदुस्तान बनाने में। क्या बात है, क्या बात है चंदन, वाह वाह वाह, जाने कितनी अर्थियां चली है हिंदुस्तान बनाने में। और जब हिंदुस्तान का शौर्य चढ़ता है, हिंदुस्तान के बेटों की रवानी अपने उफान पे आती है, तो हिंदुस्तान के बेटे 21-21 दिन तक भूखे रहकर के कारगिल का युद्ध लड़ते हैं और विजयी होकर के वापस आते हैं। मैं चार पंक्तियां कहीं वहीं से उठाता हूं, कारगिल में क्या हुआ, और अंतिम पंक्ति पे आते आते हिंदुस्तान के बेटों का शौर्य कहूंगा। बात समझ में आए तो उन कारगिल के बेटों के लिए तालियां बजाइएगा कि कैप्टन मनोज संग शेरों की चली थी टोली, कि कैप्टन मनोज संग शेरों की चली थी टोली, कारगिल जीत वाले अभियान के लिए, और गोलियों को झेलते थे राणा बाकुरों के वक्ष, कि गोलियों को झेलते थे राणा बाकुरों के वक्ष, मातु भारती की आन बान शान के लिए, तो सारे रणधीरों के शरीर चलनी थे किंतु लड़ते रहे सदैव अभिमान के लिए, और अपनी परिहाथ खोला कि अपनी परिपाटी शीश को झुकाया नहीं, अपनी ये परिपाटी शीश को झुकाया नहीं, शीश तक को कटाया स्वाभिमान के लिए, शीश तक शीश तक को कटाया। लेकिन दुख मित्रों तब होता है जब हिंदुस्तान के बेटे ऐसा शौर्य करते हो और हमारे यहाँ की राजनीति ने उन पे प्रश्न चिन्ह लगाती हो कि आप अपनी शौर्यता के प्रमाण दीजिए। अभी पुलवामा हमला हुआ था, उसकी एक वर्षगांठ हमने मनाई, उन शहीदों को याद किया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक होता है, कार्यक्रम शायद फिर होगा सर्जिकल स्ट्राइक पे। मित्रों दुख उस समय हुआ था जब उन्होंने कहा कि आपने कितने आतंकवादी मारे, आप मुझे आप हमें ये जवाब दीजिए। जब हिंदुस्तान के बेटों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे जो -20 डिग्री तापमान में अपनी देश की रक्षा करते हो, तब एक उत्तर इस मंच का सबसे छोटा कवि होने के नाते देना चाहता हूं, और बात कहीं सही हो तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छा कि देश हित मर मिटने का जो उठे सवाल, जननी का प्यारा है सास नहीं गिनते, अरे प्यार मनुहार परिवार की तो बात छोड़ो, एकमात्र शेष रही आस नहीं गिनते। और तालियां तो अब उठे कि बात आन बान की हो, भारतीय शान की हो, कितनी बची हुई है श्वास नहीं गिनते, और भारतीय सैनिकों का साहस अदम्य है, ये मारते हैं शत्रुओं की लाश नहीं गिनते, मारते हैं मारते हैं शत्रुओं की लाश नहीं। और
यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, इसलिए एक विशेष चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। और कल परसों जो कार्यक्रम था पुलवामा पे, उसमें बहुत नारे लगे कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और नहीं इंशाल्लाह नहीं, जय हिंद, पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जय हिंद, ये नारे लगे थे। तो चार पंक्तियों का उत्तर देता हूँ आप सभी युवा भाइयों की तरफ से। और अब मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि अगर आपके आक्रोश को मैंने व्यक्त किया हो पुलवामा के हमले पे, तो फिर आपका आशीर्वाद मिले कि अपनी कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदल कर मित्रवत हमसे जो गले में ले जाओगे। अच्छा, हिंदी हिंदुस्तान की राजनीति के बड़े राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी शुरुआत की थी मैत्री की, लेकिन जब वो नहीं समझते तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी कुदृष्टि को सुदृष्टि में बदल कर मित्रवत हमसे जो गले में ले जाओगे, तो प्रेम रूपी बादलों से वृष्टि इतनी करेंगे इसकी फुहार तले सारे भीग जाओगे। और किंतु यदि मित्रता नाराज साई तुमको, तब आपके आशीर्वाद मिले कि किंतु यदि मित्रता नाराज साई तुमको तो शत्रुता से अपनी ही हानि करवाओगे, राइफलों से इतनी निकाल देंगे गोलियां की छेद अपने शरीर के नगे न पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 भाई, क्या कहने चंदन, वाह वाह, छेद अपने शरीर के नगे न पाओगे। और चार पंक्तियां विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम पे खड़ा हूँ, इस प्रांगण में खड़ा हूँ जहां से राजनीति का उद्गम होता है। जी बिल्कुल, जो लोग भी महाविद्यालय में पढ़ते हैं वो शायद राजनीति की पहली सीढ़ी होती राजनीति पे चढ़ने की। चार पंक्तियां यहाँ पे युवा बैठे हुए हैं, इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ राजनीति कैसी होनी चाहिए और कहाँ राजनीति चली गई, हमें कैसे करना है। मैं रखता हूँ चार पंक्तियां। स्वागत है। शास्त्री सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे, रैलियां होती है करोड़ों रुपए हम रैलियों में फॉर्म देते हैं, वाह वाह, कैसा होना चाहिए हिंदुस्तान का परिवेश। मैं चार पंक्तियां रखता हूँ कि शास्त्री सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे, रैलियों का हमको बवाल नहीं चाहिए, राजनीति को बाजारू जो बनाने को तुले हैं ऐसी मार्केट का उछाल नहीं चाहिए, और भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे जो। और दो पंक्तियां अंतिम पंक्ति पे कहीं उस महामानव का नाम आ जाए जिसने हिंदुस्तान की राजनीति को परिभाषित कर दिया, जिसने दिखा दिया कि नेता किसे कहना चाहिए, तो फिर उनके सम्मान में तालियां उठे आपकी कि देश कि शास्त्री सशस्त्र हो जो देश को सशक्त करे, रैलियों का हमको बवाल नहीं चाहिए, राजनीति को बाजारू जो बनाने को तुले हैं ऐसी मार्केट का उछाल नहीं चाहिए, और भारतीय एकता अखंडता पे भी लगे जो देश के विरुद्ध वो सवाल नहीं चाहिए, और नेता हो तो एक और वो भी हो सुभाष जैसा, हमें राजनैतिक दलाल नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, क्या कहना, हमें राजनीति के दलाल नहीं। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, कविताएं कभी राजनीति का समर्थन नहीं करती, लेकिन मेरी कविता उस भाषा का समर्थन अवश्य करती है। जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आजादी के 70 वर्षों में पहली बार लाल किले पे खड़ा होता है और कहता है कि हिंदुस्तान की तरफ से कभी पहली गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर सरहद पार से गोलियां चली तो हिंदुस्तान की तरफ से चलने वाली गोलियों की फिर गिनतियां भी नहीं की जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तब चार पंक्तियां मैं के पढ़ता हूं, और कई लोगों ने कहा कि इतने ही बड़े आपके राजनेता थे तो आप दिल्ली में क्यों हार गए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि दिल्ली वासियों ने राज्य के लिए जो उपयुक्त था उन्हें राज्य में बैठाया, और देश के लिए जब बात आई तो उन्होंने उस देश के बड़े नायक को सपोर्ट किया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता उन्होंने क्या किया। अच्छा। और हमारी धार्मिक आस्था कहीं जुड़ी हो, जो हम लोगों ने 250 वर्षों से इंतजार किया, कितने वर्षों से वो लंबित थे, हमें दुख होता था कि हम महलों में रहते हैं, बड़े बड़े एसी कमरों में रहते हैं, और हमारे वो भगवान कहीं तंबू के तले थे। वाह वाह, भले ही आप कितने विकास कर लें, भले हम बड़ी बड़ी सड़कें बना लें, बड़े बड़े इमारत खड़ी कर लें, लेकिन अगर हमने अपने संस्कार भूल दिए, अगर हमने अपने उन प्रतिमानों को भुला दिया, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता है। क्या चार पंक्तियां पढ़ता हूं, हमें उनसे क्या उम्मीदें थी और हमने उनको वोट क्यों दिया और उन्होंने क्या किया। अब आपके दिल की बात हो तो फिर आपका समर्थन मिले, वरना फिर खामोश रहिएगा। कि शैलराज की भांति तुमको इक्काधार दिया हमने, क्या हुआ था कि शैलराज की भांति तुमको इक्काधार दिया हमने, तुमने बहुमत मांगा बहुमत बारंबार दिया हमने, आशा थी कि नई सदी का नौ गंतव्य बनाओगे, आशा थी कि नई सदी का नौ गंतव्य बनाओगे, अमरपुरी में रामलला का मंदिर भव्य बनाओगे, अमरपुरी में रामलला का मंदिर भव्य बनाओगे।
और फिर उन्होंने क्या किया, हम क्यों फिर उनका साथ देंगे? अब आपका आशीर्वाद मिले क्यों? कि शैलराज की भांति तुमको इक्काधार दिया हमने, तुमने बहुमत मांगा बहुमत बारंबार दिया हमने, आशा थी कि नई सदी का नवगंतव्य बनाओगे, अमनपुरी में रामलला का मंदिर भव्य बनाओगे, तुम में काश काश्मीर से 370 हटवाने की क्षमता थी, वोट इसी के लिए दिया ये कृपाने की क्षमता थी। वोट क्यों दिया? कि वोट इसी के लिए दिया ये कृपाने की क्षमता थी, काश्मीर से 370 हटवाने की क्षमता थी, और आज खोलना कि उग्रवाद गाजर मूली सा कटवाने की क्षमता थी, उग्रवाद गाजर मूली सा कटवाने की क्षमता थी, तुम में राम लला का मंदिर बनवाने की क्षमता थी। क्या बात है, वाह 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 वाह, नारे लगे देर साल लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब चार पंक्तियां और समर्पित करके फिर अपना स्थान लेना चाहूंगा। स्वागत है भाई। आप इस देश का इतिहास पढ़िए, इस देश के इतिहास को केवल दो तीन व्यक्तियों पर केंद्रित करके स्थापित कर दिया गया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूं, एक तर्क रखता हूं, और तर्क कहीं सही हो धीरे धीरे सुनिएगा, लेकिन एक निवेदन रहेगा कि अंतिम पंक्ति पे आए बात और मैंने बात सही कही हो तो फिर बिताने की तालियां दीजिएगा। मंगल पांडे था मतवाला कह जय गौ माता झूमा था। अच्छा, हिंदुस्तान के इतिहास में क्या हुआ, जितने भी भाइयों ने कार्यक्रम आयोजित करवाया है वो अधिकतम होंगे 20-22-23 साल के, 16 वर्ष की उम्र में कोई फांसी चढ़ जाता है, 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह हस्ते हस्ते फांसी के फंदे को चूम लेते हैं। लेकिन जब इनके इतिहास को मैं पढ़ता हूं तो एक प्रश्न मन में उठता है, वो आपके सामने रखता हूं, कि मंगल पांडे था मतवाला के जय गौ माता झूमा था, अरे हंसकर भगत सिंह ने भी फांसी का फंदा चूमा था, स्वयं कालिका रूप की जो वो लक्ष्मी बाई हारी थी, शेखर ने अपने मस्तक पर खुद से गोली मारी थी, अरे नेताजी के बलिदानों को हमने भुला दिया था, फिर माँ की ममता को काले पानी में सुला दिया था, फिर अमर शहीदों के खाते दिल का दरवाजा बंद रहा। अच्छा, आजादी के 70 वर्षों में हम उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दे पाए, तब कहता हूं कि मंगल पांडे था मतवाला के जय गौ माता झूमा था, अरे हंसकर भगत सिंह ने भी फांसी का फंदा चूमा था, स्वयं कालिका रूप थी जो वो लक्ष्मी बाई हारी थी, शेखर ने अपने मस्तक पर खुद से गोली मारी थी, अरे नेताजी के बलिदानों को हमने भुला दिया था, फिर माँ की ममता को काले पानी में सुला दिया था, फिर अमर शहीदों के खाते दिल का दरवाजा बंद रहा, सोच के ऐसी बातों को इस अंतर मन में द्वंद रहा, और क्या नेहरू गांधी को भगवान ने कौन से कुंडल कवच दिए, कैसे इनकी सहमे रहने वाले 100-100 साल जिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह क्या प्रश्न उठाया इतिहास पर, वाह 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 चंदन, क्या बात है भाई, साहस साहसिक प्रश्न है आपका, बहुत बढ़िया, वाह कैसे इनकी सहमे रहने वाले 100-100 साल जिए, अब समय नहीं है अपने पैरों के नीचे फिर काटे हो। जब भगत सिंह को फांसी चढ़ रही थी उस समय देश का क्रांतिकारी वर्ग महात्मा गांधी जी के पास जाता है, कहता है बापू अगर आप एविन से कह दें तो भगत सिंह की फांसी की सजा रुक जाएगी। बिल्कुल, भगत सिंह चाहते थे वो फांसी चढ़े, मैं ये बात मानता हूं, लेकिन जो टिप्पणी गांधी जी ने की थी कि मैं या मेरी पार्टी ऐसे व्यक्ति की वकालत नहीं करेगी जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो, उस समय उन्हें भगत सिंह आतंकवादी नजर आए, आज उनके परिवार के लोग, आज उनके राजनीति के पार्टी के लोग जब एक आतंकवादी की मुक्ति के लिए राष्ट्रपति को पत्र भेजते हो तब दुख होता है। जब चार पंक्तियां रखता हूं, अब विदाई की तालियां दीजिएगा, अब समय नहीं है अपने पैरों के नीचे फिर काटे हो, अब समय नहीं है भारत माँ के गालों पर दो चाटे हो, और अब समय नहीं उत्तराधिकार में फिर से झांसी दी जाए, और अब समय नहीं है भगत सिंह को फिर से फांसी दी जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह।